वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे धनतेरस में इंडियन गवर्नमेंट ने सारे इंडियंस को एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट? इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से इंडिया के जो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, एग्जैक्टली हम लोग रखे थे वहाँ, यह गोल्ड हम लोग का ही है, वही गोल्ड उसमें से 102 टन गोल्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में वापस लाया। तो नो डाउट धनतेरस में इससे ज़्यादा खुशखबरी इंडियन के लिए क्या हो सकता है कि भाई घर का सोना जो था वो घर में वापस आ गया। ऑन द अदर साइड आप पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा न्यूज़ तो कुछ दिन पहले भी आया था, 2-4 महीने पहले तो हम लोग एक ऐसा न्यूज़ सुने थे। ऑब्वियसली आप करेक्ट है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग को सुनने को मिला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से 100 टन जो इंडिया का ही गोल्ड था वो दूसरे कंट्री में था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, वहाँ से इंडिया में वापस लाया था। तो एग्जैक्टली कहानी क्या है, आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ये सोना हम लोग का है, फिर हम लोग क्यों पड़ोसी के पास रखते हैं, वो भी ऐसा पड़ोसी जो हम लोग के ऊपर राज किया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है इस रिलेटेड, सारा क्वेश्चन का एक एक करके आंसर करते हैं। पहला जो है, एग्जैक्टली नो डाउट ये सोना हम लोग का है, और ये सोना हम लोग कोई गिरवी नहीं रखे थे। पास में अगर देखें, जब ये सोना रखना होता है एग्जैक्टली इस अमाउंट पे अगर गोल्ड रखना होता है तो आपको चाहिए एक हेवी सिक्योरिटी और एक ऐसा सीक्रेट जगह या फिर ऐसा सीक्रेट वॉल्ट जिसको इतना जल्दी कोई क्रैक नहीं कर पाए। नो डाउट इंडिया के पास जो गोल्ड है वो बहुत ही अच्छा अमाउंट पे है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए दूसरा कंट्रीज जो है उन लोगों के पास भी है। आगे आप पूछ ही सकते कि भैया जो दूसरा कंट्री उन लोगों के पास भी गोल्ड है, वो लोग क्या दूसरे के जगह में रखते हैं? ऐसा नहीं कि सारे कंट्रीज जो है दूसरे के जगह में अपना गोल्ड जो है ऐसा रखते हैं, मगर इंडिया के पास जितना भी गोल्ड है इतना सब सारा गोल्ड हम लोग के पास नहीं रखते। हम लोग जैसे घर का ज्वेलरी जो होता है हम लोग उसका सिक्योरिटी को सोच के कभी कभार बैंक के लॉकर में रख देते हैं, तो ऐसे ही बात है। ये वॉल्ट जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का, ये वॉल्ट में इंडिया अपने तरफ से अपना जो गोल्ड है वहाँ सिक्योर रखा था, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट को एवरी मंथ एक हेवी अमाउंट पे करना पड़ता था, क्योंकि वो लोग हम लोग का जो गोल्ड है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो लोग को अच्छी तरह से रखे। मगर कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये डिसीजन लिया, और जिसमें देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके अपने तरफ से गोल्ड बाई भी कर रहा है। ऑन द अदर साइड जो गोल्ड हम लोग के देश के बाहर है वहाँ से गोल्ड ला भी रहा है, इससे एग्जैक्टली इंडिया का जो गोल्ड स्टोरेज है वो और भी बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग लास्ट 2 साल में देखें तो 220 टन गोल्ड जो है वो इंडिया में वापस लाया गया है, और ये इंडिया का ही गोल्ड था जिसको रखने के लिए एग्जैक्टली इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को दूसरा कंट्री को पे करना पड़ रहा था, दूसरा कंट्री के जो बैंक इसको सिक्योर रख रहा था। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया है और ये गोल्ड जो है ये वापस लाया गया है। ये सब सुनने के बाद आप पूछ सकते हैं कि भैया गोल्ड आया कैसे आया इंडिया में, ये हम लोग तो कुछ पता नहीं चला, ये आने वाला था, ऐसा भी कुछ नहीं है। भैया इतना लेवल पे अगर गोल्ड आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कब आया, कहाँ रखा गया, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक नहीं करता। ये कम्प्लीटली मतलब चुपचाप किया जाता है, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ सिक्योर हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई के तरफ से ये सारे अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई ये जो गोल्ड था बाहर ये हम लोग लाए हैं, अभी ये हम लोग के पास है। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए आरबीआई के पास 855 टन टोटल गोल्ड है, जिसमें से 510 टन गोल्ड जो है वो ऑलरेडी इंडिया में है, और रिमेनिंग जो गोल्ड है वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट बैंक के जो सिक्योर वॉल्ट है वहाँ सुरक्षित है। हो सकता है कि इंडिया आगे ये स्टेप फिर से अपने तरफ से रिपीट करे और बाकी जो गोल्ड है वो कम्प्लीटली एक टाइम में हो सकता है कि इंडिया अपने तरफ से लाके इंडिया में ही स्टोर कर दे। तो अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से लास्ट 2 साल से ये स्टेप क्यों ले रहा है कि भाई बाहर का जो गोल्ड है वो वापस इंडिया में लाया क्यों जा रहा है, या फिर इंडिया गोल्ड क्यों खरीद रहा है। प्रेजेंटली हम लोग जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, एग्जैक्टली अगर आप देखें रशिया के साथ यूक्रेन का वार, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन, ऑन द अदर साइड इसराइल के साथ ईरान का जो वार हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है या फिर से स्टार्ट हो रहा है, ये सब एग्जैक्टली जो जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है इसमें कोई भी कंट्री में गोल्ड रखना अभी उतना लेवल का सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है। मतलब कभी भी अगर कोई कंट्री के साथ दूसरा कंट्री अगर वॉर में कनेक्टेड हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का जो गोल्ड है वो सिक्योर रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर कौन सा कंट्री जीत जाएगा आगे जाके वो दूसरा कंट्री का क्या हालत करेगा, ये सब जो क्वेश्चन है ये इंडिया के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है इन फ्यूचर में। इसको सोचते ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया है कि भाई हम लोग का जितना गोल्ड है वो हम लोग इंडिया में रखेंगे, वो भी सिक्योर प्लेस में, और इंडिया अपने तरफ से धीरे धीरे ये जो सिक्योरिटी लेवल है मतलब ये गोल्ड रखने के लिए जो भी सिक्योरिटी ज़रूरत है वो अपने तरफ से डेवलप कर रहा है, आगे जाके इंडिया इसको सिक्योर करके रख रहा है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, वो है पास्ट का एक्सपीरियंस। अगर हम लोग कंट्री लाइक रशिया या फिर वेनेजुएला को देखें तो इन लोगों के साथ ये गोल्ड रखने में एग्जैक्टली एक स्कैम हो गया। क्या स्कैम? रशिया ने अपना एक ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड यूरोपियन कंट्रीज के डिफरेंट बैंक में रखा था, क्योंकि रशिया को पता था भाई कुछ भी हो जाए
कोई भी कंट्री अपने तरफ से अगर कोई बैंक में कुछ सामान रखते है उसको कभी भी फ्रीज नहीं करेगा। रशिया और यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के जितने भी चंटू बंटू थे हर कोई जहां रशिया अपना गोल्ड रखा था सबको फ्रीज कर दिया। बोला क्या क्या रशिया के ऊपर इतना सैंक्शंस डाल दिया, उसके बाद बोला कि भाई रशिया जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, इसलिए रशिया का जो गोल्ड है वो फ्रीज हो गया और वही गोल्ड को यूज करके वो लोग जो पैसा मिल रहा है वही पैसा से आगे जाके वो लोग यूक्रेन को फंडिंग कर रहे हैं कि यूक्रेन जाके वॉर लड़ रहे हैं और इन फ्यूचर जाके यूक्रेन का फिर से मतलब ग्रोथ किया जाएगा वही पैसा से। तो ये गलत है, किसी और का पैसा या फिर किसी और का सोना आप लोग जोर जबरदस्ती रखे हो उसके बाद वही पैसा को यूज करके उसके अगेंस्ट में मतलब उसका जो दुश्मन है उसका दुश्मन को दे रहे हो, जब उसको जरूरत है एग्जैक्टली आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ये गलत किया गया है रशिया के साथ। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कंट्री लाइक वेनेजुएला को देखें तो उसके साथ तो और भी गलत हुआ। वेनेजुएला में एक टाइम में इलेक्शन हुआ और वेनेजुएला में इलेक्शन में वुड्रो प्रेसिडेंट बने, आगे जाके यूके अपने तरफ से बोला कि भाई ये वेनेजुएला में जो इलेक्शन हुआ ये तो एग्जैक्टली पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इलेक्शन हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ गलत हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग के कंट्री में वेनेजुएला जितना भी सोना खरीद के रखा है उसको हम लोग फ्रीज कर दे रहे हैं। वेनेजुएला बहुत सालों से अपने तरफ से जो ऑयल है वो बेच बेच के उसके बाद पैसा कमाया, वो पैसा कमा के वो लोग सोना खरीदे और वही सोना वो लोग आगे जाके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख दिया। और यूके का गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से बैंक ऑफ इंग्लैंड में वेनेजुएला का जितना भी सोना रखा गया था उसको फ्रीज कर दिया, बोला कि वेनेजुएला का अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन ये काफ़ी ख़राब है इसलिए हम लोग ये सोना जो है हम लोग अभी वेनेजुएला को लौटा नहीं सकते। ऑन द अदर साइड कंट्री लाइक वेनेजुएला ना किसी के साथ वार में गया है, ना किसी के ऊपर अटैक किया है, ना किसी के साथ कोई झमेला किया है, बेकार में वेनेजुएला का सारा सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख के वेनेजुएला फंस गया, आगे जाके बैंक ऑफ इंग्लैंड वो सोना को फ्रीज कर दिया, वेनेजुएला को वापस भी नहीं किया गया। तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन एग्जैक्टली दर्शाता है कि आज के डेट में बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों का एग्जैक्टली हालत क्या है या फिर वो लोग क्या क्या कर सकता है इन फ्यूचर। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट यही सोच के अपने तरफ से स्टेप लिया है कि आगे जाके कल सिचुएशन क्या होगा, या फिर इंडिया में हो सकता है कि कोई एक स्टेट का इलेक्शन हो उसको इशू बना दे के भाई आपके स्टेट में तो ये इलेक्शन हो रहा है इसमें हम लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं है, ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए आपका सारा गोल्ड जो है हम लोग फ्रीज कर दे रहे हैं। यही बात सुनने से पहले इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप ले रहा है और धनतेरस का जो मतलब दिन था ये एग्जैक्टली पावन दिन था और इसके वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से उसी दिन ये सारा जो मतलब 102 टन जो गोल्ड है इंडिया में वापस लाया, उसको इंडिया में अच्छी तरह से सुरक्षित रख दिया और फिर जाके ये अनाउंसमेंट हुआ जो कि एक अच्छी बात है। तो ये सब सुन के तो आप बोल ही सकते हो कि भैया हम लोग के घर में भी गोल्ड है, हम लोग क्या ये गोल्ड घर में रखे या फिर बैंक में रखे, भाई इंडियन बैंक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं, तो डोंट वरी आप बैंक पे रख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए अगर हम लोग पब्लिक जो गोल्ड है मतलब हम लोग के पास जो गोल्ड है या फिर जो गोल्ड हम लोग खरीदते हैं उसका अगर अमाउंट ऐड कर दे मतलब पूरा इंडिया में जितना भी गोल्ड है जो पब्लिक ओनरशिप में है वो सारा अमाउंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट का जो गोल्ड है वो अगर हम लोग ऐड कर दे तो नो डाउट इंडिया का जो गोल्ड होगा वो दुनिया में किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मेजर फैक्टर है इंडिया का जो पॉपुलेशन है एग्जैक्टली वो सबसे ज़्यादा है। ऑन द अदर साइड इंडियन लोग जो है वो गोल्ड पढ़ना पसंद करते हैं, हम में से अगर देखें ज़्यादातर लोग जो है वो गोल्ड को प्रेफर भी करते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा रिच पर्सन भी होते हैं जिन लोग का कहना है कि भाई सोना सोना तो एग्जैक्टली उतना कुछ खास नहीं है, आई प्रेफर प्लैटिनम, मगर प्लैटिनम खरीदने का औकात एवरेज इंडियन के पास नहीं है, इसलिए एवरेज इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर या फिर गोल्ड खरीदते हैं वो भी धनतेरस के मौके में। और जब धनतेरस के मौके में उन लोगों का ही चुने हुए गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में 102 टन अपना घर का सोना वापस लाता है तो नो डाउट ये इंडियन के मुंह में एक हंसी तो लाता ही है और दिल में भी एक सुकून पैदा करता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस देखना है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाना पड़ेगा, चैनल का नाम है अतनु पॉल, दैट इज़ ATANU PAUL। जब भी आप वहाँ जा रहे हैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलेगा, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड इससे क्या होगा, इससे आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचते हैं, ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा और ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और हैप्पी दिवाली।